एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस का 3 जुलाई को महफूज किया गया फैसला 6 जुलाई को सुना दिया। साबिक वजीर आजम को 10 साल, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 80 लाख पाउंड जबकि मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना करते हुए इवन फील्ड अपार्टमेंट्स को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म भी दे दिया। फैसले के मुताबिक मरियम और उनका शौहर कैप्टन सफदर 10 साल के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए ना अहल करार दिए गए हैं। मरियम नवाज को झूठी दस्तावेज जमा कराने पर 1 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुलजिमान के फैसलों से मुतालिक मीडिया को आगाह करते हुए बताया कि हुसैन नवाज और हसन नवाज अदालत में पेश नहीं हुए, इनसे मुतालिक सजा नहीं सुनाई गई। एहतसाब अदालत के बड़े फैसले के बाद एनए 127 लाहौर में नून लीगी उम्मीदवार मरियम नवाज और एनए 14 मानसहरा में कैप्टन रिटायर्ड सफदर इलेक्शन लड़ने के अहल भी नहीं रहे।